मैं तो सुबह कह रही हूँ सुबह चाय की जगह चरस पीना शुरू करो। जो आदमी ड्रग्स नहीं ले रहा उसको रिहाब में भेजने की बात क्यों हो रही है? नवाब मलिक के साहब के पास एक काम, समीर वानखेड़े। मैं तो कह रही हूँ ये डील नवाब मलिक के घर पे हुई। मैम आप लोग आज समीर वानखेड़े के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन समीर वानखेड़े पे लगातार नवाब मलिक अटैक कर रहे हैं, वो उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन नवाब मलिक एक नेता है, 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद नेता रहेंगे नहीं रहेंगे, मंत्री रहेंगे, एमएलए मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, जनता तय करेगी। समीर वानखेड़े तो सरकारी अफसर है और 2008 बैच के IRS ऑफिसर जो पिछले 13 साल से बहुत ईमानदारी और कर्मठता से अपना काम कर रहे हैं। एक अफसर इस देश में काम करने की कोशिश करता है, एक अफसर इस देश में नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है और उसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र का तंत्र आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात, नवाब मलिक साहब को समीर वानखेड़े से क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि नवाब मलिक साहब के दामाद को समीर वानखेड़े ने ही पकड़ा था और जेल में भेजा था और वो बिना बेल के 8 महीने जेल में थे। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो। तो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ने का मतलब एक नेता उनके पीछे पड़ा है, पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। आम जनता ने तो नवाब मलिक को नवाब मलिक बनाया, नवाब मलिक साहब भूल गए कि नवाबों का दौर इस देश से गुजर चुका है। भाई साहब तो आप नवाब मत बनिए, आप सिर्फ नेता हैं, नेता रहिए और 5 साल में हैं, 5 साल बाद पता नहीं नेता भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन वो ईमानदार अफसर जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं वो तो हमारा आइकॉन है, वो तो देश से अगर ड्रग्स को हटाने की कोशिश कर रहा है तो वो हमारा आइकॉन है, पूरा देश समर्थन में, और सिर्फ देश में नहीं देश विदेश से समीर वानखेड़े के लिए समर्थन आ रहा है। और अगर देश का युवा इस समय समीर वानखेड़े के साथ खड़ा नहीं होगा तो यकीन मानिए कि आप आज से 10 साल बाद देश में नार्को टेररिज्म की एक बहुत बड़ी लहर देखेंगे, जो उस समय उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। देश के साथ खड़े होइए, समीर वानखेड़े के साथ खड़े होइए। मैम समीर वानखेड़े पे इल्जाम है कि उनके 25 करोड़ की डिमांड की गई, इसमें 8 करोड़ उनको मिलने वाले थे, वो लगातार उन पर अटैक करते जा रहे हैं, आप उनके समर्थन में खड़े होने की बात कर रही हैं। ये डील कहाँ हुई, किसके घर में हुई? वीडियो है उनका, वीडियो है, कोई वीडियो है, कोई सबूत है, कुछ है उसका? मैं तो कह रही हूँ ये डील नवाब मलिक के घर पे हुई। मैं ऐसे फालतू से एक बात कर दे रही हूँ, ये सारी डील नवाब मलिक के घर पे हुई, इसकी कोई सच्चाई है? नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया। नवाब मलिक एक बार उठते हैं और अचानक से ये बात बोल देते हैं, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। कल कोर्ट में शाहरुख खान की मैनेजर और आर्यन खान के वकील ने बात साफ साफ कही कि 25 करोड़ के एलिगेशन से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। तो जिसका केस है उसका वकील और शाहरुख खान की मैनेजर इस बात को पूरी तरीके से नकारते हुए पीछे हटते हैं, और नवाब मलिक साहब को बहुत पता है कि 25 करोड़ की डील हुई थी। डील कहाँ हुई थी भाई, ना वीडियो है, ना ऑडियो है, ना मैसेज है, ना कॉल है। आप कुछ भी अचानक से उठेंगे सुबह, गुड मॉर्निंग चाय पियेंगे और कुछ भी बोल देंगे, जैसे आप रोज सुबह शाम ट्वीट करते हैं नवाब मलिक साहब जो है समीर वानखेड़े के नाम का, कोई काम नहीं है। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, आपके पास पूरे महाराष्ट्र की इतने करोड़ की जनता है, उसका दायित्व तो नहीं है? कोविड किस तरीके से फैला आप उससे नहीं लड़ पाए, आप फेल हुए, यूपी बिहार वालों को मार मार के आपने भगा दिया, खिचड़ी तक नहीं खिला पाए, आपके पास काम नहीं है? अभी भी कोविड केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं, आपके पास उसके लिए काम नहीं है? आपके पास सिर्फ एक काम है कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर रहते हुए नवाब मलिक के साहब के पास एक काम, समीर वानखेड़े। ये इनका असली नाम, ये इनका नकली नाम क्या है? ये नेता है, इतने बड़े पद पे हैं, आप अपनी गरिमा को रखिए ना, जनता देख रही है, जनता हंस रही है कि अरे बाप रे इसको मिनिस्टर बना दिया, अब इनको तो मिनिस्टर बनाना नहीं अगली बार। आपने कहा कि समीर वानखेड़े पे कोई अभी प्रूफ नहीं है, सिर्फ एलिगेशन लग रहे हैं। आर्यन खान भी सिर्फ और सिर्फ चैट के आधार पर अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है, उनके भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ड्रग्स ली नहीं थी, उनका जो चेकअप हुआ उसमें ड्रग्स नहीं थी, लेकिन सिर्फ चैट के आधार पर अभी तक जमानत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये जाँच का विषय है, जाँच कर रही है, लेकिन अगर ड्रग्स नहीं ली, ड्रग्स का कोई मामला ही नहीं आर्यन खान पे, तो क्यों उनके वकील बार बार कोर्ट में ये बात कह रहे हैं कि इनको रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए? भाई जो आदमी ड्रग्स ले ही नहीं रहा उसको रिहैब सेंटर में क्यों भेजोगे? वो तो शरीफ, ईमानदार, बहुत अच्छा, क्रूज पे वो कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा था, वो क्रूज पे जो है किताबें अपनी लेके गया था, वो वहाँ वो पढ़ रहा था, वो तो अच्छे अच्छे काम क्रूज पे कर रहा था। जो आदमी ड्रग्स नहीं ले रहा उसको रिहैब में भेजने की बात क्यों हो रही है? और चैट को आप अगर 2019 तक के चैट अनन्या पांडे के और उनके हैं कि जुगाड़ हो जाएगा, क्या मैं जुगाड़ करती हूँ, मैं ला सकती हूँ, चरस गांजे की आप बात कर रहे हैं, आप उसको लाइटली ले रहे हैं? मतलब हम देश में पूरे युवाओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि चरस गांजा लेना और उसके बारे में बात करना जी बहुत कोई बड़ी बात नहीं, हर घर में चरस गांजा लो। मैं तो सुबह कह रही हूँ सुबह चाय की जगह चरस पीना शुरू करो, क्या ये पॉसिबल है? तो आप देश के युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर क्रूज पे समीर वानखेड़े थे और उनके साथ ड्रग्स पाया गया है, देखिए उनके ऊपर सिर्फ ड्रग्स पाया नहीं गया है, खरीद फरोख्त का भी इल्जाम है, उससे ज्यादा कॉन्स्पिरेशन का भी इल्जाम है, इसका मतलब इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स से भी उनकी बातचीत चल रही थी, तो ये इल्जाम काफी नहीं है? 23 साल का लड़का, मतलब 23 साल के नीरज चोपड़ा विश्व पटल पे तिरंगा फहरा के आते हैं और ये 23 साल का जो लड़का है वो ये सब हरकतें करता है और हम उसको फिर भी बच्चा कहते हैं? तो इसलिए उसको जमानत नहीं मिल पा रही, जमानत मिलेगी तो फिर वो जो आपने बताया कि जो फॉरेन का पेडलर है उनसे वो कॉन्टेक्ट करेगा? देखिए बहुत बड़े लोग हैं ये, मैं ये मानती हूँ कि अगर 23 साल का कोई लड़का है, 24 साल का कोई एज हो और अगर वो गलती से गलत काम कर रहा है, आप उसको रिहैब में भेजिए, उसको जिंदगी में
अगर संजय दत्त को ये अधिकार है कि वो वहाँ से निकल के बॉलीवुड में वापस आके संजू जैसी फिल्म बना के और आज मुख्य धारा में समाज के साथ जी सकते हैं, तो ठीक है। आर्यन खान को भी है, मैं ये नहीं कह रही, आप हम हमारे कोई जातिगत दुश्मनी थोड़ी ना, हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल परिवार के लोग हैं, इसके पीछे नवाब मलिक जैसे लोग समर्थन में आ जाते हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग समर्थन में हैं, तो जरूर जो एविडेंसेस हैं वो टैम्पर किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि शाहरुख खान के बेटे हैं और मुस्लिम हैं इसलिए उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए भारत की जनता ने, जो सेक्युलर कंट्री है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, देश के हिंदुओं ने, आपको पता होगा कि देश में हिंदुओं की मात्रा जो जनसंख्या वो ज्यादा है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं है लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, तो जो हिंदू थे इस देश के उन्होंने भी शाहरुख खान को बादशाह बनाने में, दी शाहरुख खान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तब तो आपने बात नहीं कही कि शाहरुख खान खान है क्यों बढ़ा रहे हो, तब बात डुअल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। आज शाहरुख खान फंसे तो खान है इसलिए फंसे, कल शाहरुख खान 30 साल हमारे सर पे बैठे तो शाहरुख खान का नाम खान नहीं आएगा। तब देश की जनता प्यार करती थी, फिल्में अच्छी थी इसलिए, तो मतलब अगर फेम होगा तो वो आपके कारण होगा, डीफेम होगा तो वो जनता के कारण होगा, वाह ये नहीं हो सकता, डुअल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। शाहरुख खान का बेटा तो अनन्या, मैं तो प्रीति पांडे हूँ, अनन्या पांडे को इसलिए तो नहीं फंसा रहे हो क्योंकि वो पांडे, वो हिंदू है सनातनी है इसलिए तो नहीं फंसाया जा रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप ये बेतुकी बातें हैं, चाहे अनन्या पांडे हो चाहे आर्यन खान हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश में ड्रग्स के मामले में किसी भी तरीके से, एनसीबी ने उसको पकड़ा है, एनसीबी अपनी जांच करेगी, हमारा काम है पूरी तरीके से, एनसीबी के एक ईमानदार अफसर जिसके ऊपर कभी कोई चार्जेस नहीं है सिर्फ नवाब मलिक के ड्रामे के अलावा, उसके तरीके उसके साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन है आपसे, समीर वानखेड़े के आप एकदम समर्थन में बैठे हुए हैं लेकिन एनसीबी ने अभी 5 लोग गए हैं जिसमें जाँच होगी, आप अपने जाँच तक का इंतजार तो कर लेते? देखिए ये इस देश की खूबसूरती है डेमोक्रेटिक कंट्री की, ये एनसीबी का नवाब मलिक साहब को पैर छूने चाहिए एनसीबी के अफसरों का कि भैया हम तुम्हारे ही अफसर हो, देखो तुम्हारा एक ईमानदार अफसर निकलता है और काम करने जाता है मैं उसको फंसाता हूँ, लेकिन फिर भी एनसीबी अपनी ईमानदारी रखते हुए समीर वानखेड़े के लिए वो जाँच गठित करती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी या जो कुछ भी होगी, अच्छा है ना, बुरा क्या है इसमें। मैं तो कह रही हूँ अगर आर्यन खान की जाँच हो रही है समीर वानखेड़े की भी जाँच होनी चाहिए, लेकिन कल तक जो नवाब मलिक स्टिंग ऑपरेशन में देश के इतने बड़े पत्रकार के लिए बात कहते थे कि ये अभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि अर्णब गोस्वामी कुछ दिनों में आत्महत्या कर लेंगे, ये सपने कहाँ से आते हैं नवाब मलिक को, कौन कौन उनको, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता कि देश के हर राष्ट्रवादी के पीछे आप इस तरीके से पड़ जाएंगे। अरे जिसका खुद का गृह मंत्री भागा भागा फिर रहा है उसकी हैसियत कैसे होती है ट्वीट करने की, ये सवाल पूछो ना नवाब मलिक से, जितने सवाल इधर दागे हैं थोड़े सवाल उधर भी दागो, उनसे पूछो कि आपका मुंबई पुलिस कमिश्नर छोटा मोटा आदमी नहीं है, हवलदार नहीं भागा है, कांस्टेबल नहीं भागा है, मुंबई पुलिस कमिश्नर कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है, ये भी तो सवाल है। नवाब मलिक जिस प्रदेश में मंत्री हैं उनके ही देश का गृह मंत्री गायब, उनके ही मुंबई पुलिस कमिश्नर गायब, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टर ASI जो है एंटीलिया के बाहर बम रख देता है, देश के उतने बड़े, आप अडानी 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 बार बार कर रहे हैं, अंबानी के घर के बाहर बम रख देता है, तो नवाब मलिक क्यों नहीं जाते बोलने? जिस सचिन वाजे के, इसी सचिन वाजे के पक्ष में तो ये नवाब मलिक उतरे थे ना, तो सचिन वाजे तो जेल चला गया, सचिन वाजे तो कह रहा है कि जी 100-100 करोड़ रुपए मांगते थे आपके गृह मंत्री, क्यों नहीं बात हो रही उसके बारे में, वो बात भी तो होनी चाहिए ना। एक तरफा वार नहीं होगा कि जब कंगना रनावत की बात आएगी, सुशांत की बात आएगी, अर्णब की बात आएगी, समीर वानखेड़े की बात आएगी तो आप मैदान में कूद जाएंगे, जब आपका गृह मंत्री भाग जाएगा तो आप घर में दुबक के बैठ जाएंगे, ये नहीं होगा। थैंक यू मैम।